हेलो एस्पायरेंट्स, अभी हमारे सामने जो टॉपिक है वो है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या सिंपली एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित ये जो सब्जेक्ट है, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशंस की बात करें यानी कि जिसमें जीएस के पोर्शंस आते हों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कि जीएस का कुछ पोर्शन आना है, तो स्पेशली आप ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इस तरह के टॉपिक्स जो हुए पॉल्यूशन रिलेटेड, वो स्पेशली आपको तैयार करने चाहिए। एसिड रेन बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पॉल्यूशन में हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, और जब ये प्रदूषण स्तर या पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। इन हानिकारक प्रभावों में एक जो प्रभाव है वो है हमारा एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की डेफिनेशन क्या है? सिंपली क्या होता है, आपको पता है कि जो बारिश होती है, वर्षा का जो जल होता है, पानी जो गिरता था वो शुद्धतम रूप में होता था, यानी एज अ प्योर वाटर। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या हुआ, बड़े पैमाने पे उन कंपनीज से निकला धुआं, यानी कुछ गैसेस वहाँ से एमिट हुई, साथ में बहुत सारा वेस्ट निकला। तो इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे ये पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हुई। और जब एसिड रेन की बात करेंगे तो जो सिंपल पानी है, जो बारिश हो रही है, सिंपली वर्षा की परिभाषा देखें या फिर हम रेन की बात करें, तो जो पानी होता है जो बरसता है, ये जो सिंपली पानी है इसका पीएच क्या होता है, आप सबको पता है पीएच इसका होता है न्यूट्रल यानी कि सेवन। तो यदि हम शुद्ध रूप की बात करें या फिर सिंपली पानी की, तो वो होता है सेवन। पानी का ना ही स्वाद खट्टा होता है, ना ही ये कड़वा होता है, एक इसका न्यूट्रल टेस्ट भी होता है। सेवन पे हो गया, इसे क्या हो गया, रेन यानी जो पानी है, पानी हो गया पीएच सात और सिंपल। अब जब एसिड रेन की बात करेंगे, क्योंकि हमें इसका बेसिक तो पता होना चाहिए कि एसिड रेन कह के हो रहे हैं, क्योंकि दसवीं तक तो हम सब ने पढ़ रखा है, सिंपल सी चीज़ है। जो सेवन है, यदि सेवन से किसी भी सॉल्यूशन का, मैटर का जो पीएच है वो सेवन से कम होता जाए, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जैसे जैसे ये लेवल गिरता जाता, यहाँ पे इंक्रीज होता, सॉरी सेवन से कम होता जाता है, यानी कि 4, 3, 2, 1 होता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है, जो एसिडिटी होती है वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे सेवन से क्या होता है, ये लेवल 8, 9, 10 कहाँ तक इसका मेजरमेंट होता है, 0 to 14। तो जैसे जैसे सेवन से इसकी मात्रा बढ़ती जाती है यानी 14 तक, वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे इसकी क्षारीयता यानी कि जो बेसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हमें न्यूट्रल वाटर की बात करेंगे तो पीएच कितना होना चाहिए, 7। लेकिन बात हो रही है एसिड रेन की, और जब एसिड रेन की बात हो रही है तो अब अंडरस्टूड है कि एसिड रेन का मतलब कि उस पानी का जो पीएच लेवल है वो 7 से कम हो चुका है। तो जब वो 7 से कम हो गया, एसिडिक हो गया, तो हमारे लिए नुकसान करेगा, है ना। अब ये एसिड, ये सिंपल रेन वाटर या फिर कोई भी पानी है, इस पानी के एसिडिक होने की किस लेवल पे, रेन लेवल पे वजह क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं। अक्सर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन लेवल पे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन आते हैं कि ये जो एसिड रेन है, इसके लिए जो कॉजिंग गैसेस हैं यानी कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी गैस है, उनका नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो जो सल्फर और नाइट्रोजन गैस है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड्स जब हमारे जल, वर्षा के जल में मिल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो बारिश होती है उसे कहा जाता है एसिडिक रेन। क्लियर? अब कितना कम तक हो सकता है, आपको पता है कि ये जो पानी होता है, इस पानी में 7 पीएच की बात की, ये डिक्रीज हो करके जब 5.4, कहीं कहीं 4.8 भी लिखा हुआ मिलता है किताबों में, वेरिएशन है,
तो यहाँ पे 4 to 5 के लगभग अभी जो बारिश हो रही है वो एसिडिक रेन के फॉर्म में जानी जाती है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसी बहुत सारी गैसेस, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉजिंग होती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बड़े लेवल पे जा रही है, बहुत बड़े लेवल पे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को वो पॉल्यूट कर रही है। यहाँ पे जब हम सल्फर और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो जो सल्फर गैस है, सल्फर गैस के ऑक्साइड यानी SO2, ओके, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है, ओके। दूसरा नाम इस तरह का आया। दूसरा क्वेश्चन, इनके जो सब टाइटल्स होते हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पोल्यूशन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2 को क्या कहते हैं, यहाँ SO2 को क्रैकिंग गैस कहा जा रहा है। क्रैकिंग गैस मतलब क्रैक कर देने वाली। कहा जाता है कि सल्फर की जो बौछार है इसकी यदि किसी पत्थर पे पड़ती रहे तो उस पत्थर को भी तोड़ करके रख देती है। अब यहाँ मैं क्या बताना चाहती हूँ, जब हम एसिड रेन की बात कर रहे हैं तो ये जो एसिड रेन हो रही है, सपोज दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रीज अच्छे बड़े लेवल पे, ओके, कुछ आगे जाएंगे तो वहाँ पे मथुरा रिफाइनरीज के आगे जाएंगे तो आगरा में वर्ल्ड वाइड फेमस हमारा ताजमहल, ठीक है, 7 वंडर्स में शामिल। ताजमहल के लिए जब अभी रिपोर्ट्स आई तो उसमें कहा गया कि ये जो संगमरमर व्हाइट कलर का था उसका जो कलर है वो चेंज होते होते येलोइश में कन्वर्ट होता जा रहा है। रीजन जब इसका ढूंढा गया तो जो मथुरा रिफाइनरी थी उसमें से ये जो गैसेस हैं वहाँ पे जाकर के जो एसिड रेन हो रही है इसकी वजह से उस मार्बल का जो कलर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्लियर। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था। कंक्लूड करते हैं एसिड रेन क्या है। एसिड रेन यानी जब सिंपली 7 जो वाटर का pH होता है उसमें जो pH लेवल है वो 7 से कम हो जाए तो जो बारिश का पानी है वो जब धरती पे गिरता है तो इसे एसिड रेन कहा जाता है। और ये एसिड रेन बहुत तरह से डिजीजेस कॉज करती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। सबसे खतरनाक इसका एक जो प्रभाव है वो है जलीय जनजीवन पे, यानी कि एक्वेटिक जो बायोस्फीयर है। हम तो एक लैंड एरियाज पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, स्थल है हमारा, लेकिन जब हम जल के लेवल पे जाते हैं, पानी वाटर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो मछली होती हैं, प्लैंकटन्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इनका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, उसमें सर्वाइव करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं एक साइकिल में। लेकिन उसी पानी का जब pH उसका लेवल चेंज होगा, वो एसिडिक रेन गिरेगी उसी पानी में और वो एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसमें रहने वाले जो जीव है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे। जब वो मर जाएंगे तो एक जो साइकिल चलती है पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने वाली वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो इस तरह से पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन में एक महत्वपूर्ण जो हमारा सब्जेक्ट है वो एसिड रेन के फॉर्म में आता है। और एसिड रेन को नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे जो गैसेस हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच।